वक्त की बड़ी खबर आ रही है जींद से। जी हाँ, हरियाणा के जींद से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर किसानों का महापंचायत चल रहा है। महापंचायत से यह बात सामने आई है, किसानों ने फैसला लिया है और यह बड़ा फैसला है कि तीनों कृषि कानून वापस होने चाहिए। जींद से यह बड़ा संदेश, बड़ा फैसला सामने आया है, जहां पर किसानों ने एक स्वर में यह बात कही है कि सरकार को तीनों कृषि कानून वापस लेने होंगे। तो महापंचायत में यह बात सामने आई है कृषि कानून वापस लेने पर। आज आपको बता दें कि यहां पर राकेश टिकैत पहुंचे हैं। आज का दिन किसान आंदोलन को लेकर बड़ा दिन है। 26 जनवरी को गिरफ्तार लोगों को छोड़ा जाए, ये भी जो बड़ी खबरें निकल कर आ रही है इस महापंचायत से, वो आपको हम बता रहे हैं। किसान आंदोलन में दर्ज केस, जितने भी केस हैं वो भी सरकार वापस ले। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए, ये भी वहां पर कहा जा रहा है। तो आपको हम बता दें कि यहां से जो बड़ी बातें जींद के महापंचायत से निकलकर सामने आ रही है, महापंचायत में इन बातों पर प्रस्ताव पास हुआ है। पहली बात, तीनों कृषि कानून सरकार वापस ले, सबसे बड़ी बात, और इसी बात पर किसान 2 महीने से अड़े हुए हैं। दूसरी बड़ी बात, 26 जनवरी को गिरफ्तार लोगों को छोड़ा जाए, जितने भी लोगों को गिरफ्तार किया गया है छोड़ा जाए। तीसरी बड़ी बात, किसान आंदोलन में जितने भी सरकार ने केस दर्ज किए हैं वो वापस हो। राकेश टिकैत इस वक्त मंच पर मौजूद है और यहाँ पर ये तीनों बातें, ये प्रस्ताव पास हुए हैं। सत्येंद्र चौहान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी के साथ। सत्येंद्र, यहाँ पर प्रस्ताव पास कर दिया गया है महापंचायत में और साफ तौर पर सरकार को तस्वीरें आप देख सकती हैं, मंच गिरा है और तकरीबन मंच पर बहुत ज्यादा जो तय प्रत्याशी उससे ज्यादा लोग आ गए। अगर इस पूरी महापंचायत की भी बात करें तो यहाँ पर जो जहाँ तक भी नजर जाती है हजारों की तादाद में लोगों का हुजूम नजर आता है और जो ये मंच है ये तकरीबन 50 से 60 लोगों के लिए बनाया गया था, लेकिन जैसे जैसे ही भाषणबाजी शुरू हुई लोगों का जोश बढ़ता गया और एकदम बड़ी तादाद में लोग मंच पर मौजूद हो गए, जिसकी वजह से ये मंच टूट गया है। और ये तस्वीरें आप खुद देखकर अंदाजा लगा सकती हैं कि इसमें कई लोगों को चोट भी लग सकती है। श्वेता, यहाँ पर आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि राकेश टिकैत ने मुख्य तौर पर अभी क्या क्या बातें की, क्योंकि जो प्रस्ताव पास हुआ है साफ तौर पर 50 से ज्यादा खाप पंचायत, यहाँ पर उसके प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं, सबने एक स्वर में यही कहा है कि भाई कृषि कानून जब तक वापस नहीं होगा इससे कम में कुछ नहीं मानेंगे। देखिए, ये जो पंचायत बुलाई गई थी दरअसल में इस पंचायत का मुद्दा ही ये था, और ये हरियाणा के गांव-गांव में इस तरह की पंचायतें हो रही हैं और जो अलग अलग खापे हैं, कल जो स्वामीपत और जो सबसे बड़ी दहिया खाप है उसमें भी क्लियर कर दिया था कि वो हर हालत में किसानों के साथ इस आंदोलन के साथ में है और किसी भी सूरत में अब वो लोग पीछे नहीं हटेंगे। और यहाँ पर जो जितनी भी खापे थी उन खापों को मिलाकर एक महापंचायत का आयोजन किया गया था और इन खापों के अलावा बड़ी तादाद में दाएं बाएं से इधर उधर से हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचे थे। श्वेता, बिल्कुल यहाँ पर खबरें आ रही है। सत्येंद्र, क्या आपके पास जानकारी कि मंच भी टूटने की खबर सामने आई है? देखिए, ये जैसे कि अभी तस्वीरें बिल्कुल ठीक सामने हैं, अभी अभी ये वाकया हुआ है, लेकिन किस तरीके से मंच टूटा, बिल्कुल ये देखिए तस्वीरें, अभी आपने देखा कि किस तरह से मंच एकदम से टूट कर गिर गई। भारी भीड़ है यहाँ पर, राकेश टिकैत, बड़े बड़े नेता वहां पर मौजूद थे। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं उस जगह की जहाँ पर ये जींद में कार्यक्रम चल रहा था, महापंचायत यहाँ पर हो रही थी, एक बड़ा सा मंच जिसमें राकेश टिकैत मौजूद थे, तमाम जो बड़े नेता वहां पर हैं खाप पंचायतों के वो वहां पर मौजूद थे, और उसी बीच एकाएक धड़ाम से नीचे ये पूरा का पूरा मंच जो है वो गिर गया। और हमारे संवाददाता सत्येंद्र जैसा कि बता रहे हैं कि जितनी उम्मीद थी यहाँ पर लोगों के जुटने की उससे कई गुना ज्यादा भीड़ यहाँ पर लोगों की जुटी है। सत्येंद्र, आप ये बताए कि क्या मंच पर, ये देखिए एकाएक कैसे एकदम से धड़ाम से ये पूरा का पूरा मंच यहाँ गिर गया, जितने नेता थे और एकदम से आप देखिए पलक झपकते ये सभी नीचे गिर गए, और बार बार राकेश टिकैत बोल भी रहे थे लोगों को कि आप हटे। यहाँ सत्येंद्र कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा भीड़, क्या लोग ज्यादा मंच पे चढ़ गए थे इस वजह से ऐसा हुआ? देखिए श्वेता, सबसे पहले तो मैं आपको पहले थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ। जिस दिन राकेश टिकैत ने
जो भावुक अपील की थी, कैमरे पर रोए थे, तो सबसे पहला रिएक्शन इसी गांव में कंडेला में हुआ था और यहां पर चंडीगढ़ के जो जींद जाने वाला हाईवे है इसको ब्लॉक कर दिया गया था। इसके अलावा रात में ही हजारों की तादाद में ट्रैक्टर यहां से दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। तो ये कहीं ना कहीं किसानों का एक एपिक सेंटर है जी कंडेला, और यहाँ पर पहले भी जो किसान आंदोलन हुए हैं यहाँ पर कई लोगों की गोली लगने से मौत हुई है और किसान आंदोलन के रूप में कंडेला को जाना जाता है। और अब जब ये इतना बड़ा किसान आंदोलन चल रहा है तो इसमें कंडेला के लोगों ने बड़ी भूमिका निभाई है और कंडेला के लोगों ने ही सबसे पहले सारी छापों को बुलाया था और उसके बाद आस पास के पूरे हरियाणा के किसान नेताओं को बुलाया था और उम्मीद ये नहीं थी कि इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। ये तस्वीरें जैसे कि दृश्य आप टेलीविजन पर देख रहे हैं, यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग, यानी कि ये जो ग्राउंड है ये कहीं ना कहीं छोटा पड़ गया है और ये वो लोग हैं जिनको किसी भी तरीके की सहूलियत नहीं दी गई है, जिनको बुलाया नहीं गया है।